वैसे तो आपने कराची में कई तरीके के खाने खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ टू ट्राई द बेस्ट बीफ पोटी रोल इन कराची। हुसैन भाई तीन बेब प्यारी रोल लगा दो। सबसे पहली जगह जो मैं आया हूँ वो है नवाब का रोल, जो कि बोर्ड ऑफिस से है, और मैंने अपने रोल का ऑर्डर दे दिया है। मेरा रोल बन रहा है, जैसे ही मेरा रोल बन के आता है मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक आप नवाब का लेवल चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट है पराठा रोल का जो इतनी लोगों में आया है कि एक गो टू मील बन गया लोगों का बेसिकली, मतलब कराची में जो बंदा रह रहा है उसने पराठा रोल तो ट्राई किया ही होगा। ये लोगों ने कब से मतलब वो अडॉप्ट करना शुरू किया, क्या उसका क्या सीन है? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता, सच बात है, मगर जहाँ तक मेरा एक आइडिया है कि ये तारिक रोड में स्टार्ट हुआ था कहीं पर, और बहुत पहले की है, आई थिंक 90s की कोई इनोवेशन है। और इसमें फिर जाहिर सी बात है, अगर कोई भी मील या कोई भी चीज़ आती है तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं, उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने इसमें फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करे। आ गया भाई बूटी रोल आ गया, फ्रेश फ्रेश आइए। तो भाई हमारा रोल आ गया नवाब का, चेक करते हैं इसको। ये हमारे सुलेमान भाई है, 3-2-1 पिल्ली के साथ जो अच्छा भाई ये मुशर्रफ है और ये पराचा, इसको आप जानते हैं। और अभी हम आए हैं बी बॉडी रोल ट्राई करने नवाब का, हमारे पास आ गया एक्चुअली, ये आ गया हमारे पास नवाब का रोल। अभी इसको पहले हम ट्राई करेंगे बगैर की चटनी के, इसके अंदर के कितनी सॉसेस वगैरह हैं वो भी देखते हैं। अच्छा इसके अंदर सिंपल ये बीफ की बोटी है, प्याज है और इनकी अपनी कोई सॉस है, ये वाली नहीं लग रही। पहले ट्राई करते हैं इसके साथ। यार सॉस के बगैर थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है, अब सॉस के साथ ट्राई करता हूँ ज़रा। यार सॉस जो है ना इसकी पुदीने वाली चटनी है और उसके साथ ये लग के एक अलग ही फ्लेवर दे रहा है, बहुत आ रहा है। अच्छा भाई हमने नवाब का रोल ट्राई कर लिया है बी बॉडी, और हमारा अभी जो डैमेज हुआ है वो हुआ है 190 का। अभी हम जा रहे हैं होटल में और वहाँ जाके चेक करते हैं उसका क्या लेवल है। अब हम आ चुके हैं क्रिसेंट जो कि बादराबाद पे है, और इतना रश नहीं है वरना अमूमन यहाँ पे काफ़ी रश होता है। इनका जो रोल है वो काफ़ी मशहूर है, तो तभी हमने इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया और हॉट एंड रोल हमने डिच कराया। भाई हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे क्रिसेंट के एक भाई मिले हैं हमें यहाँ पे, क्या नाम है भाई आपका? फिजर नाम है। अच्छा भाई कब से है क्रिसेंट? तकरीबन 23 साल हो गए इसको। 23 साल हो गए। अच्छा वैसे जरा लोकेशन से ये समझा दें कि ये कहाँ पे है। ये भादराबाद चार मीनार से हम लोग आते हैं ना, टूसो में इंटर होते हैं पहली गली के सीधे आते बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने ही है। दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। अच्छा। उसको अच्छी चीज़ देंगे तो ताकि कोई दूसरा भी आएगा उसको फेवर अच्छी करेंगे, क्योंकि यहाँ का बेस्ट ही रोल है। 23 साल हो गए चल रहे रोल, फास्ट फूड बारबेक्यू वगैरह। अच्छा और कौन कौन से रोल हैं? रोल में चिकन चटनी और चिकन गार्लिक, ये तो रनिंग का ऑर्डर है। रोल में वैसे और भी है, बीफ भी है, चिकन भी है, जिंगर रोल भी है, मलाई रोल भी है, और जो यहाँ का फेवरेट है ना वो बिहारी टिक्का है, 3 पीस में जो होता है। दही वाली चटनी जी। दही अभी मेरा रोल आ गया बाहर, मैं जाकर ट्राई करता हूँ रोल के साथ। और ज़्यादा कुछ डाला नहीं उन्होंने, एक सिंपल सी चटनी डाली है और ना प्याज है उसके अंदर, और ये 210 रुपये, 20 रुपये महंगा है, लेकिन चेक करते हैं कि
टेस्ट में वर्थ इट है 20 रुपये नहीं। अच्छा भैया हमारा रोल आ गया है, तो पहले मैं अगर आपको अंदर का सीन चेक कराऊँ कि अंदर क्या क्या है। अच्छा अंदर इसमें सिर्फ इनकी चटनी है और बोटी है, ये यहाँ से दूसरी लग रहा है साथ इनकी वही चटनी है इनकी कोई। यार ये बहुत लेवल है, बहुत जूसी रोल है, जो बोटी है वो प्रॉपर गली भी है। अमूमन बीफ ज़्यादा अच्छा गला बन नहीं होता, लेकिन इनकी बोटी काफ़ी अच्छी गली भी है, बहुत जूसी है। और साथ में जो रायता है इनका वो अगेन वही पुदीने वाला रायता है, लेकिन उसके साथ में लेके जो वाइफ करा रहे हैं ना उनको बहुत लेवल है। भाई बस सीन कट होने का वेट था, आप चेक करें ये, इनका भी ओपिनियन ले लेते हैं। ये ज़्यादा जूसी है ना, ज़्यादा जूसी है ना, ये इसका मसाला अच्छा है, इसका मसाला अच्छा है और बोटी भी काफ़ी अच्छी गली हुई है, मसाला बहुत अच्छा है। वो जो 20 रुपए वाली बात थी वो वर्थ इट है, वो लिटरली वर्थ इट है। जो प्याज वगैरह नहीं है इसके अंदर, सिंपल ही चटनी है, लेकिन सारा गेम बोटी का है। तो जी अब मैं आ गया हूँ फाइनली सिल्वर स्पून, जो हमारी आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है। सिल्वर स्पून मैंने वैसे ही पहले कभी ट्राई नहीं किया, सुना है कि जिन्होंने जो पराठा रोल की जो ट्रेडिशन स्टार्ट की है, जो इन्वेंशन है इनकी पराठा रोल की, वो यहीं से हुई है। 1971 से यहाँ पे रोल बन रहे हैं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा जी, और आप किसको ये आइडिया आया था रोल पराठे का? मेरे फादर ने ये शुरू किया था, इससे पहले ये कोल्ड स्पॉट हुआ करता था, समर पर चाट कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम होती थी, रोल जैसा कोई आइटम ही नहीं था। अच्छा, हमारे घर की पिछली गली से एक आदमी गुजरा करता था, शामी कबाब पराठा रोल, शामी कबाब पराठा रोल कहते हुए गुजरता था। अच्छा, तो उससे आइडिया लिया था बेचारा, आज पता नहीं कहाँ होगा। उससे ये आइडिया मेरे वालिद साहब को आया था कि सीख कबाब की जो ये जो पूरी एक सीख होती है, इसमें एक पराठे को रोल करके भी रोल बनाया जा सकता है। सही, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। सही, तो उसके आइडिया से हमने ये रोल बनाया था। जब हमने पहली दफ़ा ये रोल बनाया था उस वक्त हम जब लोगों को फ्री सैम्पलिंग करते थे, जब कुछ चाट खाने आता था फ्री सैम्पलिंग करते थे, लोग उसको खोल देते थे, पराठा तोड़ के बोटी, हम कहते थे ये खोलना ऐसे नहीं है, तो बटर पेपर उतार के आपको बाइट करना है। सही, उस वक्त गालिबन 1 रुपए का रोल था। इनका एक बीफ बोटी रोल मंगवाया है, आज हम वैसे बीफ बोटी रोल ट्राई कर रहे हैं, बीफ है और शुरू ही बीफ से हुआ था। अच्छा। बेसिकली मैं समझता हूँ चिकन सबके ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम होते हैं। Exactly, सही, मगर बीफ का एक प्रोसेस है। बिल्कुल। हमारा जो बीफ है वो ऑलमोस्ट दो दो तीन तीन दिन की मैरिनेशन पे होता है। Oh, wow. इसी वजह से ये हमारा रोल लोग समझते हैं कि कबाब रोल है, ये कबाब रोल नहीं, ये होती बोटी है, मगर उसकी मैरिनेशन हम इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो आपके मुँह में ऐसे घुल के आपको घीमे जैसा कबाब लगता है। चैलेंज दे सकता हूँ कि बीफ हमारा जैसा किसी का नहीं होगा। हाँ चिकन हो सकता है, सबके मोर और लेस सेम ही होते हैं, चिकन में इतनी मेहनत भी नहीं है, मैरिनेशन का भी टाइम नहीं है, वो कोई भी बना सकता है, कितना आसान बात है। भाई भाई की बातें सुन के ना मुँह में पानी आ गया है और चैलेंज भी दे दिया है, तो बस अब फौरन से लगवाते हैं अपना रोल और ट्राई करते हैं आपको दिखाते हैं। भाई ये हमारा बीफ बोटी रोल आ गया है। अच्छा इनकी चटनी थोड़ी डिफरेंट है और ये है हमारा रोल, अभी आपको खोल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सर ये आ गया मेरे पास सिल्वर स्पून का बीफ रोल। ये खासियत है कि ये पूरी पराठा नहीं होता, इसके बाद ये पराठा होता है और बड़ा क्रिस्पी किस्म का पराठा है। जब मैंने बाकी ये भी ट्राई किए वहाँ पे प्रॉपर पूरी पराठा होता है, और ये मुझे मिला है, इसके साथ है अंदर प्याज और इनकी अपनी कोई चटनी भी है, मुझे रेड वाली सॉस लग रही है इनकी, और साथ प्याज है और बोटी है। अब चेक करते हैं कि जो भाई ने बात बोटी है वो सही है भी या नहीं। बड़ा जूसी पराठा है, अभी से टूट रहा है। यार बहुत क्रेजी है, बहुत लेवल है यार, ये लिटरली बहुत लेवल है, ये लिटरली ऐसा लग रहा है जो एक क्रेविंग पूरी हुई है ना, हम लोग खा खा के थक चुके थे, पूरी पराठा, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई, बहुत लेवल है। बहुत सॉफ्ट सी इनकी जो बॉडी है, बहुत सॉफ्ट है, चबाने में आसानी हो रही है। बीफ अमूमन सही गलता नहीं है, मसला होता है थोड़ा नचुई नहीं होता,
ये प्रॉपर मैरिनेट हुआ है, गला हुआ बड़ा अच्छा मसाला है इसका, रिच टेस्ट है मसाले का। और साथ जो ये सॉस है ना, बहुत लेवल है, बहुत लेवल है। तीन तीन रोल खा लिए और रोल के बाद एक चीज तो बनती है, पेप्सी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है यार। तो आज हमने तीन जगहों के रोल ट्राई किए। सबसे पहले हम गए नवाब, उसके बाद हम गए क्रिसेंट, उसके बाद हम गए सिल्वर स्पून। अच्छा मैं आपको इनकी लोकेशन एक बार दोबारा बताता चलूँ। सबसे पहले नवाब हम गए थे जो दिलपसंद के बिल्कुल बराबर में बोर्ड ऑफिस पे। दूसरा जो है वो है क्रिसेंट, जो कि चार मीनार से आप लेफ्ट होंगे उसी गली में। और तीसरा है सिल्वर स्पून तारिक रोड के ऊपर। तीनों रोल बहुत अच्छे थे। मैंने पहले कभी सिल्वर स्पून का रोल पराठा ट्राई नहीं किया था। मेरी तरफ से अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, सिल्वर स्पून लिटरली अमेजिंग था। तो पराठा बड़ा न्यू ट्राई किया था हमने उनका, वो पूरी पराठा नहीं था, वो एक जैसे पराठा होता है एक वैसा वो पराठा था, बड़ा क्रिस्पी पराठा था। उसके साथ जो मैरिनेटेड उनकी बोटी थी, मेरी तरफ से सिल्वर स्पून। आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मैं कौन सा ट्राई करूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। प्लान कीजिएगा किसी दिन आने का, तीनों जगह ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैंने बात बोली है वो सही है या नहीं। अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। टिल देन दिस इज़ नवीन।